भगवान सीधे सूर्य भगवान जब निकलते हैं पहले भगवान के चरण का दर्शन करते हैं, और जैसे ही हटाती हैं भगवान का सिर चमकने लगता है और भगवान को गाजे बाजे के साथ खुदाई होती है। और यह विश्व की अलौकिक प्रतिमा है, विश्व की ऐसी प्रतिमा नहीं है कहीं भी। मेरा नाम श्री कृष्ण पांडे है, मैं यहाँ का उपाचार्य हूँ। भगवान बंसीधर यहाँ की राज माता श्रीमानी देवी, उनका वो फोटो लगा हुआ है। श्रीमानी देवी राज माता गढ़ की हैं कि, और उनको स्वप्न हुआ जन्माष्टमी के दिन। हम यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप हमको ले चलो। वो भगवान के अनन्य भक्ति थे और वो यहाँ से जब स्वप्न हुआ तो दल बल के साथ गई और वहाँ भगवान खुदाई कराया गया। पहले राज अपने से नहीं करते थे, नौकरों द्वारा खुदाई कराया गया तो नहीं भगवान मिले। राजमाता अपने से हाथ लगाई, मिट्टी में तो भगवान का जटा दिखाई दिया। भगवान त्रिजटा के रूप में है, भगवान बिल्कुल गोल्ड सोने के रूप में है, सोना है। ये बताया जाता है कि 12 क्विंटल 80 किलो इनका वजन बताया जाता है। ये बांकी नदी के तट पर ही बांके बिहारी अवस्थित है, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही है। और यहाँ से जहाँ शिव पहली है, जहाँ भगवान गड़े हुए थे, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर वो उत्तर प्रदेश में ही मोहली के एक जगह है, वहीं से वो भगवान वहीं शिव पहली है, वहीं पर भगवान पड़े थे और राजमाता उनको पूजा करते हुए जग करते हुए गई और वहाँ से ले आई। और वो 1885 सम्मत विक्रमी सम्मत 1885 ईस्वी में राजमाता यहाँ से ले आई भगवान को। भगवान को यहाँ पहले हाथी पर लाद के ले आई, हाथी यहीं बैठ गई। राजमाता चाहती थी कि हम अंदर ले जाएं, लेकिन भगवान को ही रहना था, भगवान ने ही हाथी बैठ गई। और तब विद्वान लोग बताए कि भगवान नहीं रहना चाहते हैं, वहीं इनका नहीं स्थापना कर दिया गया। पहले स्थापना हुआ, बाद में मंदिर बना। और अकेले स्थापना कैसे हो, तो यहाँ से काशी से राधा रानी को मत्स्य धात की मूर्ति है, उनको बनवा करके मंगवाया गया और वहीं से स्थापना हुआ। उसी दिन से त्रिकाल पूजा होता चला रहा है, जो आज तक पूजा होता चला रहा है त्रिकाल पूजा उनका। और ये जो गढ़ परिवार हैं वो सब इन पर सब एकदम विराजमान है, सब उन्हीं की देखरेख में सब काम होता है। और भगवान बंसीधर की विश्व प्रसिद्ध है, ऐसा कहीं मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा, विग्रह नहीं मिलेगा। भगवान की इतनी शक्ति है, जो मनोती यहाँ मानता है वो सत्य होकर के रहता है। हर मनोकामना हर जो मान्यता है वो जरूर आप लोगों को मिलेगा। इस मंदिर को कितने वर्ष हो चुके हैं अभी? ये 200 वर्ष करीब हो गए हैं। 200 वर्ष 1885 जोड़ लिया जाए सम्मत जी, आज 1800 हाँ आज जोड़ दिया जाए। तो ये जो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है 1280 किलो की मूर्ति है, और राधा माता की जो मूर्ति है ये भी सोने की है? नहीं नहीं, अष्ट धातु की। अच्छा हाँ, ये मेटल धातु की है? हाँ, भगवान हाँ अष्ट धातु की। पहले जमीन में जमीन के नीचे शेष नाग, अच्छा शेष नाग पर अष्ट कमल दल है। आप चरण दर्शन किए हो, ध्यान दिया होंगे, अष्ट कमल दल पर भगवान विराजमान। सारा दरवाजा यहाँ से दिखे तिरछा है, हाँ सारा दरवाजा तिरछा है, एक भी सीधा दरवाजा नहीं है। भगवान सीधे सूर्य भगवान जब निकलते हैं पहले भगवान के चरण का दर्शन करते हैं। कितना भी छाया हो लेकिन यहाँ चरण का दर्शन भगवान का करते हैं। भगवान सूर्य भगवान इनकी इतनी महत्ता है, ये रोज ही सूर्य भगवान की रोज 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 भगवान सूर्य दर्शन करने के लिए आते हैं। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी। बोले राधे राधे।
इतिहास में 1885 संवत विक्रम संवत जो है यहाँ राजमाता जो है उसी समय स्थापित जब भगवान हुआ था। अच्छा, ये जो भाषा है जी जी गायत्री जी। गुप्त सेवा काशी ट्रस्ट आश्रम आज जो है भगवान बंसीधर के मंदिर से, भगवान बंसीधर के धाम से आज जो है संत महात्माओं के द्वारा, हमारे रवि प्रकाश चौबे जी के द्वारा आज यहीं से इनका जो है यात्रा आरंभ हो रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है और भगवान बंसीधर का आशीर्वाद रहेगा और आप लोगों का ये जो यात्रा है ये भगवान की कृपा से सफल होगा। और भगवान बंसीधर के दरबार में आप लोग आए हुए हैं ये बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ का जो हिस्ट्री है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राजमाता शिवमानी देवी 1885 संवत विक्रम संवत 1826 ईस्वी में राजमाता शिवमानी देवी जो नगरगढ़ की राजमाता थी उनके द्वारा उनको स्वप्न हुआ और भगवान उनके सपने में आए और बोले कि बोलो क्या मांगना चाहती हो। भगवान से वो बोली कि भगवान आपके कृपा से मैं राजतंत्र में पैदा ली हूँ, हमारे पास हर कुछ है, भगवान हमारे नजरों से ओझल मत हो, मैं यही चाहती हूँ। भगवान मुस्कुराए और बताए कि हम महुवरिया पहाड़ी यहीं यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी यूपी में पड़ता है वहाँ हम गड़े हुए हैं, जाके अपनी खुदाई करवाओ और भगवान को लाओ। और उस दिन संयोग से भगवान का कृष्ण जन्माष्टमी था और वो अनन्य भक्त थी भगवान कृष्ण की। वो सवेरे अपने सपने के बारे में लोगों को बताई और अपने गाजे बाजे के साथ भगवान को खुदाई करने के लिए वो राजमाता जो है गई वहाँ। दो पहाड़ी की खुदाई हुई, कुछ नहीं मिला। तीसरा पहाड़ी में अपने से राजमाता जो है अपने से हाथ से अपना हटाई, कहीं कि नहीं भगवान इसी पहाड़ी पे हमको स्वप्न दिए हैं। और जैसे ही हटाती हैं भगवान का सिर चमकने लगता है और भगवान को गाजे बाजे के साथ खुदाई होती है और भगवान की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं वही मिले। और इसके बाद हाथी से लाया गया प्रतिमा को और यहाँ जो है हाथी लास्ट अंतिम हाथी जो है यहीं बैठ गया। वो उठा ही नहीं, महोत बहुत कोशिश की, वो महल के अंदर ले जाना चाहती थी राजमाता, लेकिन भगवान का मन था यहीं, तो राजमाता जो है यहीं स्थापित की भगवान को। और हर जगह पहले मंदिर बनाई जाती है बाद में मूर्ति स्थापित होती है, लेकिन यहाँ पहले मूर्ति स्थापित हुई और भगवान की मंदिर जो है बाद में बनाया गया। और राधा की प्रतिमा उसी समय काशी से मंगवा कर अष्ट धातु की प्रतिमा और भगवान की पूजा होने लगी। केवल कृष्ण की पूजा नहीं होती इसलिए राधा और कृष्ण की पूजा उसी समय से स्टार्ट हो गई। और जो है भगवान का कृपा रहा उसी समय से, भगवान का कृपा यहाँ के नगर वासियों पे अगल बगल के लोगों पे बरसता रहता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और लोगों का मान्यता है, हम लोगों का मान्यता है, हम लोग जीवंत भगवान के भक्त हैं और जीवन प्रयत्न रहेंगे। और हम राजमाता शिवमानी देवी जी के परनाती हुए। मेरा नाम राजेश प्रताप देव हुआ, हम लोगों का बाबा बंसीधर मंदिर सूर्य मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हर वर्ष जो है वृंदावन से कथावाचक आते हैं और श्रीमद् भागवत कथा जो है यहाँ बगल में होता है और शाम को रासलीला का भी आयोजन किया जाता है। विगत 20 सालों से तो यहाँ बहुत ही भगवान का निर्मम रूप है, आप देख ही रहे हैं कि भगवान जो है जीवंत है। मन से दिल से मांगिए, भगवान का जो है मुराद वो पूरा होता है। जी 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 तो राजमाता जब उस समय स्थापित की भगवान की प्रतिमा को तो उसी समय कायथी भाषा जो विक्रम संवत 1885 में जो है उसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे शिवमानी कुंवरी देवी ने 1885 संवत में ये निर्माण कराया, भगवान को स्थापित कराया। और बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान की प्रतिमा जीवंत है, मन से दिल से मांगिए, भगवान जो है उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। धन्यवाद। राधे कृष्ण सरकार की पार्वती पते हर महादेव। आज हम सभी लोग बंसीधर भगवान की आरती में सम्मिलित हुए, यहाँ के हमारे माननीय सम्मानीय राजा साहब के सानिध्य में यहाँ जो ट्रस्ट चल रहा है, बंसीधर भगवान की सेवा हो रही है, हम सभी आपका सादर आभारी हैं कि आपने हम सभी को यहाँ पर मंदिर में संत महात्माओं को सम्मान किया। यात्रा जो पंच तत्व की रक्षा के लिए,
पंच संकल्प के साथ पंचदिवसीय निकली है। यह हमारे गुप्त काशी के अग्निकोण में विराजमान यह राधा कृष्ण की प्रतिमा और यह स्थान जो बहुत ही यह विश्व की अलौकिक प्रतिमा है, विश्व की ऐसी प्रतिमा नहीं है कहीं भी, वह हमारे गुप्त काशी के ईशान कोण में जो झारखंड राज्य में पड़ता है। हम सभी आज भगवान का दर्शन करके काफ़ी अभिभूत हैं और जैसा कि राजा साहब ने बताया कि कैसे कैसे इतिहास आपका है, कब यहाँ आए, सब लोगों को इतिहास की भी जानकारी हुई, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योगिराज विजयी भव विजयी भव विजयी भव।